गलती स्वीकार करना सफाई थोड़ी देना होता है। तेजस्वी यादव जी को यात्रा करने दीजिए, पूरा घूमे, कोई रुकावट नहीं है, अंतोगत्वा मिलेगा लड्डू। पर अब किसी को विश्वास रह गया है कि नीतीश जी क्या करेंगे, कब क्या करेंगे, वो न ललन सिंह जी को पता है न किसी को पता है। लड्डू कब खाता है आदमी, इसका मतलब राज्याभिषेक होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पर ऐलान हो गया कि तेजस्वी यादव का राज्य अभिषेक होने जा रहा है, यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, लालू यादव के बेहद ही करीबी माने जाते हैं और इस बयान का कई मायने निकल के सामने आ रहे हैं। देखिए, पहले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है, बातचीत हो गई, उसके बाद चर्चाएं तेज हो गई कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, क्या तेजस्वी यादव फिर से उप मुख्यमंत्री बनेंगे। पर अब बात राज्य अभिषेक की आ गई और देखिए किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जवाब दे रहे हैं, पहले हम आपको वो भी सुनाएंगे। पर नीतीश कुमार क्या एनडीए के साथ छोड़ करके महागठबंधन के साथ आ जाएंगे, ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। सवाल सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के लोग हो, तमाम नेताओं से भी लगातार पूछा जा रहा। अब सवाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से पूछा गया। देखिए किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह तमाम सवालों के जवाब तो दे ही रहे हैं, पर नीतीश कुमार के महागठबंधन के एंट्री को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। तेजस्वी यादव को लेकर राज्य अभिषेक की बात कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, पहले आप वो सुने। इसका क्या यूएसपी है? अरे भाई, अभी बात होना चाहिए। जिस तरह का बेरोजगारी है, जिस तरह का अराजकता है, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है बिहार में, मुख्यमंत्री को या शासन के लोगों को उस पर बात करनी चाहिए। इधर नहीं आएंगे, उधर चले जाएंगे, ये कौन सा राजनीति है? राजनीति कोई परिक्रमा करने का चीज़ नहीं है, राजनीति सीरियस है। बिहार के 12 करोड़ लोगों के जीवन स्तर में कैसे बदलाव आए, कैसे बेहतरी हो, इसकी बात करनी चाहिए, न कि इधर आएंगे उधर जाएंगे। नीतीश जी पर अब किसी को विश्वास रह गया है कि नीतीश जी क्या करेंगे, कब क्या करेंगे, वो न ललन सिंह जी को पता है न किसी को पता है, हमको भी नहीं पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कब वो क्या करेंगे ये तो ऊपर वाला ही जानता है। जेपी नड्डा 2 दिन के बिहार दौरे पर थे, उन्होंने जंगल राज और आरजेडी के राज को याद करके हमला किया आप लोगों पर, कांग्रेस और ये अभी राम राज में क्या हो रहा है, हर महीना में 2 गो पुल बह जा रहा है, बेतहाशा कीमतों में जो वृद्धि हो रही है उस पे लगाम लगाने की बात करनी चाहिए। छात्र नौजवान जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है उसकी बात करनी चाहिए, कैसे लोगों को रोजगार मिले, कैसे किसान मजदूर का प्लान रुके, उस पर बात करनी चाहिए। ब्रिजभूषण शरण ने हमला किया है कांग्रेस पर, विनेश फोगाट ने ज्वाइन किया, उसके बाद कहा है कि पांडवों की तरह स्त्री को रखकर कांग्रेस पार्टी आगे राजनीति कर रही है, चुनाव में आप लोग को समझ में आ जाएगा। पांडवों की तरह तो कर रही है ना कांग्रेस, गौरवों की तरह तो मतलब वो अपने को कर रहे हैं। चलिए, पीसीएम का नेता है ना, शासवा सांसद इस्तीफा दे दिए, तब उनके इस्तीफा का बात भी मैं करूं, इसका निश्चित उत्तर तो वही उनके पार्टी के लोग वो दे सकते हैं। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं, ललन सिंह कर रहे हैं कि क्या मिलेगा, लड्डू मिलेगा यात्रा पर जाने से? तेजस्वी यादव को लड्डू मिलेगा ऐसा कर रहे हैं ललन सिंह, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लड्डू कब खाता है आदमी, इसका मतलब राज्याभिषेक होने वाला है। तो अभी आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सुन रहे थे। हालांकि जो ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया था कि यात्रा पर निकल रहे हैं, ठीक है निकलिए, पर मिलेगा क्या लड्डू,
इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई और सवाल पूछा गया था कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से। देखिए, हमने आपको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान सुनवाया है कि किस तरीके से कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, वो अपनी बातों को रख रहे थे और तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने बयान भी दिया है। पर तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं, इसको लेकर लगातार एनडीए के नेताओं से भी सवाल किया जा रहा, तो महागठबंधन के भी नेताओं से सवाल किया गया जाता है। देखिए, अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कर रहे थे वो हमने आपको सुनवाया है। पर ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, पटना पहुंचे हैं, जब सवाल पूछा गया किस तरीके से जवाब दे रहे हैं वो भी आप सुने। छोड़िए ना रोहिणी आचार्य के बात पर, हर आदमी के बात पर प्रतिक्रिया दी जाती है। अब रोहिणी आचार्य कितनी गंभीर है उस पर प्रतिक्रिया देना कोई जरूरी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वही 100% सही है। सफाई क्यों दे, कहाँ दे रहे हैं सफाई, कहाँ दे रहे हैं? दो बार गए, उनके साथ गलती हुई, उन्होंने कहा तो गलती स्वीकार करना सफाई थोड़ी देना होता है। हाँ, तो आधार कार्ड के इनरोलमेंट के लिए आप देश के नागरिक हैं कि नहीं ये बताइएगा ना, कि किसी को भी आधार कार्ड बना दिया जाएगा। तेजस्वी यादव जी को यात्रा करने दीजिए, पूरा घूमे, कोई रुकावट नहीं है इस राज्य में, किसी को कोई रुकावट नहीं है, सब यात्रा करें, अंतोगत्वा मिलेगा लड्डू। तो अभी आप ललन सिंह को भी सुने, पर ललन सिंह के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद से क्या कुछ कह रहे थे वो तमाम बयानों को भी हमने आपको सुनवाया है। देखिए, सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के लोग हो, तमाम लोगों से ये लगातार सवाल किया जा रहा कि क्या नीतीश कुमार पलटेंगे। हालांकि पिछले दिनों की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक ही मंच पर थे और साफ शब्दों में नीतीश कुमार कह रहे थे कि दो बार गलती हो गई, अब गलती नहीं होगा। पर आरजेडी के नेता, महागठबंधन के नेता इसके कई मायने निकालने लगे और कह रहे थे कि जब जब वो इस तरीके का बयान देते हैं तब तब बिहार में अलट पलट होता है। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर बार सफाई क्यों दे रहे हैं? देखिए, ये सवाल लगातार उठ रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि क्या तेजस्वी यादव को लेकर जो चर्चाएँ चल रही है आखिर ये चर्चा कहाँ तक पहुँचती है, क्या नीतीश कुमार पलट जाते हैं, ये सवाल भी लगातार खड़े हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि आगे और भी क्या कुछ होता है, क्योंकि बिहार का राजनीति अभी गर्म है, तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के लोग हो, तमाम लोगों से भी सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ, धन्यवाद।